जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आशीष आई टी आई यूट्यूब चैनल में। अगर आप फैशन डिजाइनर और ड्रेस मेकिंग और स्विंग टेक्नोलॉजी के विकास या आई टी एस इंट्रेंस एग्जाम और आई टी आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो कि सी आई टी एस के इंट्रेंस एग्जाम में और आई टी आई के एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। और आप सभी को मालूम है हमारे चैनल के माध्यम से एक दिन में जो है कि 5 वीडियो अपलोड हो रहे हैं सी आई टी एस इंट्रेंस एग्जाम तैयारी का। तो अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। अगर आप सी आई टी एस इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को जो है कि पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में जो है कि क्वेश्चन नंबर 7 हमने कवर कर लिए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से, सिलाई के निम्न वर्ग में से कौन सा कवर चैन सिलाई के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वर्ग 600, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित प्रकार के सीमों में से कौन सी जेब के लिए उपयोग की जाती है। निम्नलिखित प्रकार के सीमों में से कौन सी जेब के लिए उपयोग की जाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कांडेड सीम जो है कि जेब के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकृत नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानकीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शरीर का आकार जो है मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण कपड़े के आकार में कमी आ जाती है, जिस कारण कपड़ा पहनने के लायक नहीं रहता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कपड़े का आयामी परिवर्तन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ऊपरी और निचले पहियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। ऊपरी और निचले पहियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बेल्ट जो है कि ऊपरी और निचले पहियों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसका उपयोग हाथ छेद के लिए किया जाता है। निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किसका उपयोग हाथ छेद के लिए किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फेड सीम का जो है कि उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारदर्शी कपड़े में हाथ छेद के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीम का उपयोग किया जाता है। पारदर्शी कपड़े में हाथ छेद के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीम का उपयोग किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मोकड फ्रेंच सीम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, कमर के ऊपर के वस्त्र के हिस्से को क्या कहते हैं। कमर के ऊपर के वस्त्र के हिस्से को जो है कि क्या कहते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चोली कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, एक पैटर्नर क्या पूरा करता है। एक पैटर्नर जो है कि क्या पूरा करता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक रूप आकार और एक रूप आकृति दोनों ही पूरा करता है एक पैटर्नर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सी ग्रेडिंग विधि सबसे आसान है। कौन सी ग्रेडिंग विधि सबसे आसान है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
काटना और फैलाना सबसे आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, कौन सा उपकरण पैटर्नर पर एक संकीर्ण यू आकार काट सकता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नोचर जो है कि काट सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, छोटी लंबाई के फाइबर को क्या कहा जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेपन फाइबर जो है कि कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, CAD से क्या आश्रय है। CAD से जो है कि क्या आश्रय है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD से क्या आश्रय है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, CAD सॉफ्टवेयर हमें स्टेन डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मॉडर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है कि शामिल है ऑप्शन ए यूनिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन 2 सिस्टम सर्वर, ऑप्शन 3 डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन 4 ये सभी। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कुछ निश्चित कार्यों को करने के लिए क्लिक की जाने वाली आइकन की स्किप क्या कहलाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, टूल बार जो है कि कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, पिंक की गई सिम को सुनते हुए आपको। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सिलाई करते समय सावधानी के पिन निकाले, पिन पर सिलाई न करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, नोशन क्या होते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक परिधान को बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे बटन, जिपर, धागा, हुक और आई आदि जो है कि नोशन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रेखाएं एक परिधान में ऊपर और नीचे जाती है। कौन सी रेखाएं एक परिधान में ऊपर और नीचे जाती है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, लंब रेखाएं, ठीक है, ऊपर और नीचे जाती है। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिजिटाइजर में एक अहम भूमिका निभाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है कि डिजिटाइजर में एक अहम भूमिका निभाते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दिन में जो है कि 5 वीडियो अपलोड हो रहे हैं CITS इंट्रेंस एग्जाम तैयारी का, और वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।